पानीपत की मेयर अवनीत कौर ने ठेकेदारों के साथ मीटिंग करके कमीशन खोरी को बंद कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने व ठेकेदारों के खर्चे पर विकास कार्य के शिलापट लगाने बंद करने की बात की है। इन बातों से मेयर अवनीत कौर पार्षदों के निशाने पर आ गई हैं। पार्षदों के गले से ये सब बातें नहीं उतर पा रही। मीडिया से बचते हुए पानीपत नगर निगम के पार्षदों और पार्षद पतियों ने मीटिंग करके एक दूसरे के साथ अपना दर्द साझा किया। इन मीटिंग्स में मीडिया को दूर रखने के प्रयास किए गए। मेयर के द्वारा ठेकेदारों से मीटिंग कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों पर पार्षद नाखुश नजर आए। पार्षदों ने शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों से बंद कमरों में मीटिंग करके अपना दर्द साझा किया, मगर उनके हाव भाव व मीडिया से दूरी बनाए रखने से साफ जाहिर होता है कि दोनों विधायकों ने उनके दर्द का इलाज नहीं किया। पानीपत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेम सचदेवा पर आज एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार प्रेम सचदेवा किसी की रस्म क्रिया में भाग लेने जा रहे थे। हमलावर के द्वारा तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। प्रेम सचदेवा को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो क्या हुआ, आप क्रिया पर जा रहे थे तो अचानक हमला किसने किया और किस बात को लेकर आपको लग रहा है हमला हुआ? गुरबच्चन नाम का आदमी था, हमारे पड़ोस में ही रहता था पहले। उसने कहा मेरे से, मैंने 2 मिनट आपसे बात कर ली। मैंने कहा पगी रस्म पे बात बैठ के जो भी बात करनी है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। इतने वो तैश में आके मैं आज तेरे को जान से मार दूंगा, तो उसने वो बंदासी चला दी। कहाँ पे हमला किया जी? पहले टांग पे मारी, मैं थोड़ा नीचे हो गया जैसे चोट ज़्यादा थी वो, फिर मैं जैसे नीचे, फिर उसने सिर पे मारी, फिर मैंने हाथ से रोक दी। इतने फिर लोगों ने उसको पकड़ लिया, लोग आ ही रहे थे, पगड़ी रस्म थी। तो इस बारे पुलिस को सूचना दे दी? हाँ दे दी। मामला ये है कि आज 2 से 3 लालू भाई गुरुद्वारे लीलावती की क्रिया दिया है। 2 से 3 हम वहाँ पर लगभग 2:30 बजे पहुँचे। ऊपर गुरुद्वारे के ऊपर क्रिया थी जिससे भोजन था। हम ऊपर से मत्था टेक के नीचे उतरे थे, देखा यहाँ नीचे प्रेम जी के साथ वो अपना उसने जो हाथ में थी ऐसे उछाल रहा था। 2-4 बंदों ने मिलकर उसको बाहर भगाया। हमने देखा तो इन्होंने पैंट के नीचे बताया बड़ा जख्म है। पैंट खोल कर देखे तो बहुत बड़ा जख्म था। हमने रुमाल बांधा, खून रोकने की कोशिश करी। उसके बाद डॉक्टर पहुँच जाके यहाँ पर लेकर आए हैं। इन्होंने एक्सरे भी करे हैं, स्टिचिंग भी करे हैं, और भी जो कार्रवाई करो डॉक्टर साहब आपको बता सकते। पुलिस को सूचना आ गई थी? पुलिस सूचना आ गई, पुलिस आ भी गई है। उनके साथ एक गुरबचन सरदार ने बात करना चाहा, बात करने का इनकार कर दिया था। इतने में ही उन्हें तैश में आ गए, डंडा सिले आधा हाथ में, लेफ्ट पाँव में मारी, दूसरा बार सीधा हाथ में गया तो उसके हाथ में लगी, तो वो भाग गया। उसको कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई कर रही है।
पाइट कॉलेज में 4 नवंबर को होने वाले इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल समिट एजुकेशन 4.0 कार्यक्रम के संदर्भ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज मैनेजमेंट से सुरेश तायल, राकेश तायल, शुभम तायल, डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति सिंह, अरिंदम भट्टाचार्य ने मीडिया प्रतिनिधियों से कार्यक्रम के बारे में बातचीत की। राकेश तायल ने बताया कि समिट एजुकेशन 4.0 कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपलों को यह जानकारी देना है कि किस तरह से इंडस्ट्री में फोर्थ रेवोल्यूशन तेजी से आगे बढ़ रही है। इस रेवोल्यूशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल इंडस्ट्री की हर फील्ड में हो रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि हर कॉलेज स्कूल में व केजी क्लास से ही विद्यार्थियों को इन सब विषयों के बारे में जानकारी दी जाए। उन्होंने बताया कि जिस तरह से आज़ादी से पहले हमारा देश सोने की चिड़िया था, उसी तरह दोबारा हमारा देश GDP पूरे विश्व में एक नंबर पर लेकर आ सकता है, अगर हमारे देश में सभी शिक्षण संस्थान एजुकेशन 4.0 को अपना लें। वो इंसान करेगा सोच, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसके इमोशंस हैं, जो उसके संस्कार हैं। हम उन चीज़ों पे स्कूलों के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस पे कहाँ ध्यान दे रहे हैं? सिर्फ इन्हीं पे ध्यान देने की बात है कि आप उन चीज़ों को ज़्यादा जानें। जब आपके पास टाइम ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे आप? इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, हो सकता है आप रिलीजियस ज़्यादा हो जाए, हो सकता है जहाँ आप शांति मिले, जहाँ आपकी रुचि हो, yes. आपको अभी आपने देखा होगा कि लोग स्ट्रेस नहीं ले पाते, अगर उनको सक्सेस मिलता है तो ठीक है, कहीं भी एक भी फेल्योर आता है तो वो सुसाइड कर लेता है, राइट। तो आज इंसान को डिफरेंट ऑल्टरनेटिव दिखाने की बात है, रेस से हटाने की बात है, उसको एक सही दिशा पे लाने की बात है। दिस इज अबाउट एजुकेशन करते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, जब इंडिविजुअल डिफरेंट है तो उसकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, उसके इवैल्यूएशन टेक्निक डिफरेंट होनी चाहिए, उसी तरीके से उसकी लर्निंग भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो उस तरीके से हमको पर्सनलाइज लर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो एजुकेशन 3 ने थोड़ा सा चीज इसके ऊपर इंकॉर्पोरेट किया, तो फ्लिप लर्निंग आई। फ्लिप लर्निंग के लिए हमने बच्चों को पहले से मटेरियल देना स्टार्ट किया ताकि बच्चे पढ़ के आए क्लास में, वहां पे ग्रुप डिस्कशन करें, प्रेजेंटेशन करें। टीचर एक जो एक मोनोलॉग होता था, टीचर बोलता था, बच्चे पढ़ते थे और चले जाते थे। तो अब स्टूडेंट्स पहले पढ़ के आ रहे हैं, उसको डिस्कशन करते हैं क्लास में, फिर टीचर उनको कनेक्ट करता है, टीचर्स बिकेम ए फैसिलिटेटर। सो द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इज फ्लोइंग बिटवीन 3 पीपल, 1 स्टूडेंट टू स्टूडेंट, देन स्टूडेंट टू टीचर एंड टीचर टू स्टूडेंट, राइट। इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इज हैपनिंग। अब आपके पास यहाँ पे हुआ तो अब पढ़ ले कि अभी भी जो सिस्टम है वो अभी भी मेमोराइज सिस्टम पे है, अभी भी एजुकेशन 3.0 के अंदर भी वो चीज़ चेंज नहीं हुई, अभी भी इवेल्यूएशन जो चीज़ें होती हैं वो स्टैंडर्डाइज तरीके से हैं, अभी भी मेमोरी पे ध्यान दिया जा रहा है जो कि IQ टेस्ट करती है सर, इंटेलिजेंस पोर्शन, राइट, नथिंग एल्स। जो हम एजुकेशन 4.0 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाली चीज़ें होंगी जो आपको मशीन के साथ काम करना है, रोबोट्स के साथ काम करना है, तो आपको लोगों को सेंसिटाइज करना है कि आपको स्ट्रेस से कैसे डील करना है, क्योंकि एजुकेशन 2.0 के अंदर हम इंसान को रोबोट बना रहे थे, उसको मेमोराइज कराते जा रहे थे, फिर उसका टेस्ट ले रहे थे। अब इंडस्ट्री 4.0 के अंदर हम मशीन को इंसान बना रहे हैं, और एजुकेशन 4.0 है कि हम इंसान को इंसान क्यों नहीं बना रहे। जो इंसान की यूनिक करैक्टरिस्टिक्स है वो है उसका कल्चर, वो है उसके इमोशंस, वो है उसकी सेंसेस, वो है उसकी क्रिएटिविटी। हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान हमें देना पड़ेगा। सो एजुकेशन 4.0 इज नथिंग अबाउट कि सब चीज़ आप सोचें कि सर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित होगा, वो आपकी इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करेगा, आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा, आपके आध्यात्मिक ज्ञान पे डिपेंड करेगा, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान करेगा। हम पुराने चीज़ पे चले जाएं, इफ़ यू गो बैक टू आवर एंशिएंट टाइम्स, तो क्या होता था कि लोग के पास रिसर्च का टाइम होता था, वो उनके पास समय होता था तो वो रिसर्च करते थे, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ चले जाते थे, स्पिरिचुअलिटी पर चले जाते थे, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन होता था, वो चीज़ें बढ़ जाती थी। अभी जो मशीन से कर रहे हो तो विदाउट मशीन के काम होंगे। आज जो आप सोच रहे हो कि अब एजुकेशन 4.0 के अंदर आप मशीन से ये सब चीज़ें कराते हो और वो सब चीज़ों के रिसर्च होती है, फिर ये चीज़ें थ्रू कॉस्मिक एनर्जी होंगी जो एजुकेशन 5.0 डिसाइड करेगा। एजुकेशन 4.0 इज नॉट अबाउट इट, एजुकेशन 4.0 इज
आपको जो पढ़ना है वो लाइफ लॉन्ग स्किल्स के लिए पढ़ना है, सस्टेनेबल पढ़ना है, सस्टेनेबल लर्निंग होनी चाहिए आपकी, जो हमेशा आपके साथ रहे, वो आपके साथ जुदा नहीं हो सकती, तो आपके साथ रहेंगे और ऐसी ऐसी लर्निंग्स रहेंगी जो आपको खुश रख सके, आपके साथ लॉन्ग टाइम चल सके। सो इसके अंदर ब्लेंडेड एजुकेशन होगा, इनको हम किस तरह से इंकॉर्पोरेट करेंगे अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, आपको क्लासेस के साइजेस के अंदर ओरिएंटेशन में आपको फर्क महसूस होगा। आपको एक बच्चे को पढ़ना है, दो के ग्रुप में पढ़ सकता है, चार के ग्रुप में पढ़ सकता है, छः के ग्रुप में पढ़ सकता है, आठ के ग्रुप में पढ़ सकता है, ये स्टूडेंट डिसाइड करेगा मेरे को कौन से प्रोजेक्ट पे जाना है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, ब्लेंडेड एजुकेशन होगा। ब्लेंडेड एजुकेशन के अंदर होगा कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ या रियल क्लासरूम में जाकर पढ़ रहा हूँ, मैं किस चीज़ से पढ़ रहा हूँ, किसके साथ पढ़ रहा हूँ, ये सब चीज़ों का ब्लेंड होगा। और वो ब्लेंड कैसे होगा, किस प्रतिशत में होगा, दैट टाइम इज ऑन अ टेल, दिस इज स्टिल अनसर्टन, नथिंग इज ए फिक्स्ड और एन ऑप्टिमम फॉर्मूला फॉर एनी काइंड ऑफ ब्लेंड। ये डिपेंड करेगा उस बच्चे के ऊपर, उस टीचर के ऊपर, कि वो किस तरह का एजुकेशन फील्ड के अंदर आना चाहता है, उसका ब्लेंड कैसे होगा। सो इट्स रियली गोना ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम। और जो लोग इन चीज़ों के साथ चल जाएंगे, हो जाएंगे, तो हो सकता है इंडस्ट्री 4.0 अगर इंडिया के अंदर हम ये सब चीज़ों को सेंसिटाइज करने के लिए कामयाब हो गए, लोगों को बताने में कामयाब हो गए, और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स, कॉलेज के प्रिंसिपल्स, टीचर्स और पेरेंट्स इस चीज़ को समझने में सक्षम हो गए, हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों को समझे, तो हो सकता है इंडस्ट्री 4.0 इंडिया के, जो आज अगर हम फिफ्थ पोजीशन पे हैं, सिक्स पोजीशन पे हैं, तो हो सकता है आने वाले 20 साल में, 25 साल के अंदर हम वो पोजीशन अटेन कर लें जो कभी हमारी गुलाम बनने से पहले 40% ऑफ द GDP शेयर वर्ल्ड का इंडिया के पास होता था, जो जब गुलाम, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 2% रह गया, तो दोबारा से उसके अंदर वो राइज कर रहे हैं, पर लेकिन जर्नी बहुत बड़ी है, दूर है। तो अब उस चीज़ के लिए करने के लिए हम इस चीज़ को चाह रहे थे कि हम पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इस चीज़ को इनिशिएटिव लें इस पूरे एरिया में। हम लास्ट ईयर से एजुकेशन 4.0 और इंडस्ट्री 4.0 की बात कर रहे हैं, पर बहुत से लोगों को इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है कि ये है क्या। तो वी वर द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट ऑल दिस सिस्टम, और हम इन चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फ्लिप बेस्ड लर्निंग इंकॉर्पोरेट कर चुके हैं, ब्लेंडेड एजुकेशन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और जो फ्यूचर क्लासरूम्स होंगे, फ्यूचर क्लासरूम्स का जो रूट होगा वो स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स के तरह होगा। और स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स में हम एक नया ब्लॉक बना रहे हैं जो हम पूरा पूरा डेडिकेट कर रहे हैं स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स। इसके अंदर वो सारी सब तरह की चीज़ें मुहैया होंगी जो एक एजुकेशन 4.0 के अंदर आप विजुलाइज कर सकते हो, जिसके अंदर दो बच्चों के इकट्ठे बैठ के पढ़ने के, चार बच्चों के पढ़ने के लिए सबके इंडिविजुअल बूथ्स होंगे अलग अलग, उनके अंदर उनके सब तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होंगे, जिस चीज़ के अंदर भी उनको हायर लर्निंग के लिए जाना हो उस चीज़ की सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो ये सिर्फ बेस्ड करिकुलम बेस्ड नहीं होगा, दिस विल बी आउट ऑफ द करिकुलम, वट एवर दे वॉन्ट टू स्टडी एंड वेन एवर दे वॉन्ट टू स्टडी। उनके लिए उसी में खेलने की चीज़ें भी होंगी, जब वो बोर हो रहे हैं तो खेले भी, अगर वो आने वाली चीज़ के अंदर अगर वर्चुअल रियलिटी के अंदर कुछ गेम एप्लीकेशंस करनी है तो गेमिंग की सुविधा भी होंगी, ऑनलाइन गेमिंग की सुविधा भी उसमें उपलब्ध होंगी। सो ब्रेकिंग पॉइंट भी होगा, अगर बच्चों को कुछ है, कुछ खाना है, कुछ स्नैक्स लेने हैं, वो भी अंदर ही होंगे। तो अब ये नहीं कि कैंटीन के अंदर कंप्यूटर अलाउड नहीं है और कंप्यूटर रूम के अंदर खाना पीना अलाउड नहीं है, इट विल बी लाइन काइंड ऑफ एयरपोर्ट लॉन्च एरिया, जहाँ पे कोई भी वर्किंग क्लास प्रोफेशनल जाता है तो वहाँ पे वो कंप्यूटर का लैपटॉप भी खोल के काम करता है, साथ में कॉफ़ी भी लेता है और बातचीत भी करता है। तो लाइब्रेरी की शक्ल भी बदल जाएगी, लाइब्रेरी में जब हम बोलते हैं कि साइलेंट रहना है, बात नहीं करनी क्योंकि मुझे पढ़ना है, आपको हर तरह के जोन मिलेंगे उसके अंदर, जहाँ आपकी डिस्कशन है तो उस डिस्कशन के रूम्स आप बुक करा सकते हो और उसके अंदर पढ़ सकते हो, उसमें आप डिस्कस कर सकते हो। सो इट विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट, जो हम कन्वेंशनल तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम की जो हमारी प्रणाली चल रही है उसके बिल्कुल विपरीत, जो हम फ्लिप लर्न करते हैं, तो फ्लिप का मतलब है उसको बिल्कुल पलट देना। तो वो हम एजुकेशन 3.0 में थे, पर लेकिन आज भी कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारा इंडिया के अंदर अगर हम बात करें प्योरली एजुकेशन 3.0 पे भी नहीं जा पाया है। अब चैलेंज है कि हम इसको किस तरह से ये क्वांटम जंप लगाएंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से, हाँ जी ऑल ओवर इंडिया। राकेश जी, आपने एक साल पहले इसको शुरू किया था, क्या आपने फीडबैक लिया, इसका रिव्यू किया कि क्या इसमें, एक तो सबसे पहले इस अनुसार हम लोगों के पास किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत अधिक कमी है,
फिर भी बच्चे को मोटिवेट करना, लोग भी इस तरह आएंगे, हमारे यहाँ इस टाइप का कल्चर अभी इसको इनिशिएटिव है आपकी। देखिए क्या है, सबसे पहले तो आपको सेंसिटाइज कराना होता है कि लोगों को पता चले कि मोटिवेशन रास्ता है। आपने पहले देखा होगा कि पहले लोग गाड़ियाँ ओन करते थे, आज आपने दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखा होगा ओला कैब्स चल रही हैं, तो लोग जहाँ पे पहले तीन गाड़ियाँ लेते थे वो तीन गाड़ियों से एक गाड़ी पे आ गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गाड़ी परचेज करना मुश्किल है, गाड़ी को रेंट करना आसान है, दे कैन अवेल दी सर्विसेज एनी टाइम। तो ये जो चेंजेस हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आते हैं और लोग उसको समझते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी अडॉप्ट भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, पहले आपके एक्सीलेटर्स आए थे, आपके इस तरह की चीज़ें आई थी, वो कह रहे थे कि डिलीवरी में प्रोसेस नहीं चलेंगे, नहीं लोग खराब कर देंगे, पर लेकिन सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, राइट। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। एक अगर हम गांव के अंदर भी एक कंप्यूटर का पहले लगाया गया उसको टेस्ट करने के लिए कंप्यूटर कैसे चलेगा, इंटेल का एक एक्सपेरिमेंट था, और वो लोगों ने किसी के भी ट्रेनिंग के बावजूद बच्चों ने अपने आप सीख लिया कैसे कंप्यूटर चलाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास पता चलना चाहिए कि ये दिशा सही बात कर रहे थे, ये मोटिवेशन थी, वो तो कोई इक्विपमेंट था, कोई मशीन थी, हमने हायर कर लिया, लेकिन अब तो मोटिवेशन, अब तो आपको आदमी को बदलना है, मशीन तो है नहीं, हमें आदमी को नहीं बदलना, मोटिवेशन नहीं नहीं नहीं, अभी आप आदमी को मशीन बना रहे हैं, हमारा कहना है आदमी को आदमी रहने दो, आदमी को आदमी रहने से मैं आपने क्या करना है, सिर्फ उसके अंदर हैप्पीनेस बरकरार रखनी है, उसको हमें इंजेक्शन नहीं लगाने कि तुम्हें बेटा इस टेस्ट में जाना है, तुम्हें इस टेस्ट में जाना है, तुम्हें इस टेस्ट में जाना है, हमें उसके ऊपर से लोड हटाना है, ठीक है, हमें उस पे काम कम करना है, ज्यादा नहीं करना है काम। पानीपत में छठ पर्व धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही पर्व को मनाने के लिए लोग अपने अपने घरों से निकलकर घाटों पर आ गए व सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व मनाया। इस पर्व को लेकर पानीपत पुलिस ने भी अच्छे खासे इंतजाम किए हुए थे ताकि किसी भी श्रद्धालु को पर्व मनाने में किसी भी तरह की दिक्कत पेश ना आए। छठ पर्व है, महापर्व के रूप में मनाया जाता है, ये उत्तर भारत के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं ये सब, यहाँ पर आके अपना छठ पर्व। मैं तो हम 35 साल से हैं और ये 15 साल से हम यहाँ मनाया जा रहा है हमारे घर में। छठ पूजा का हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व है, ये महापर्व है, पूरे भारत में मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये इसमें माता के जो सूर्य भगवान की का व्रत है, ये जब जो भी मनोकामना पूर्ण होती है, ये जो भी व्रत ही रहते हैं, ये 24 घंटे का निर्जला व्रत है, भूखे प्यासे बिना पानी पिए 24 घंटे का व्रत होता है, 3 दिन का, वैसे तो ये 3 दिन का व्रत होता है, पहले दिन खरना होता है, तो उसके बाद 24 घंटे का व्रत है। नरेंद्र बड़ी त्यौहार होती है और हम बहुत इसमें एंजॉय करते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। क्या कुछ खाया जाता है त्यौहार इसमें? 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, भूखे रहते हैं, रात को यही करीब 8-9 बजे पानी सिर्फ पीते हैं, उसके बाद 3 दिन खाना नहीं खाते हैं। कल भी रहेगा त्यौहार? हाँ कल भी रहेगा, कल जाके सुबह खाना खाएंगे यही 10-11 बजे, इसके बाद नहीं खाएंगे। इस तरह से पूजा मनाई की जाती है कुछ? ये हमारे मतलब सबसे बड़ी त्यौहार होती है सबसे ज़्यादा, और इसमें मतलब जो भी मांगो वो पूरी हो जाती है। घर पे पूजा ना करके घाट पे क्यों आते हो? क्या महत्व क्या घाट पे? मेन ये जैसे कि ये पानी है मेन, तो इसमें जैसे वो सूरज निकलते हैं ना तो इसमें दिखाई देते हैं, इस कारण यहाँ आते हैं। घर पे तो ये पानी होते नहीं है इसलिए। मेरा नाम सोनिया है। मैं कहते हैं ना जो छठी मैया होती है ना वो अपने मायके आती है तो 2.5 दिन के लिए आती है, तो उनके आने की खुशी में ही ये छठ मनाया जाता है, 2.5 दिन का व्रत होता है ये। आप कब से मना रहे हैं छठ पूजा? ये तो कब से चला आ रहा है, सभी मनाते हैं। कितने दिन पहले मनाया जाते हैं? ये दिवाली के 6 दिन के बाद मनाते हैं, जिस दिन दिवाली होती है उसी दिन ये लास्ट होता है। तो क्या मनोकामना इस छठ का? ये महानता है ना, जो सच्चे मन से श्रद्धा से इनसे जो भी मिन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है, इसलिए सब अपने मन्नतें मांगते हैं, कोई नीचे लेट के आता है उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तभी लेट के आते हैं, और इस वजह से छठ मनाते हैं। कितने साल से आप ये पूजा बना रहे हैं? ये तो सदियों से, मतलब हमारे सारे पुराने बुजुर्ग। पानीपत में ही आप कब से रह रहे हो? घाट पे या पानीपत में? यहाँ तो मेरी मम्मी पहले मनाती थी, 30-40 साल से हम यहीं पे रहते हैं, तब तो मेरा जन्म भी नहीं था, और जब से हुआ है तब से ही हम लोग करते हैं। क्या नाम है आपका?
रिम्पी। कहाँ से आए आप? शांतिनगर से। जो छठ पूजा त्यौहार है ये हमारे पानीपत वासियों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल के लिए ट्रैफिक पुलिस व लोकल थाना की पुलिस बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। उधर सोदापुर से जटल रोड डाइवर्ट करवा गया है, रिफाइनरी से सीधा जीट रोड पर निकाला गया है व्हीकल और NFL इलाके पर उधर बिंजोल की तरफ डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की जाम की समस्या इस वक्त नहीं है और यहाँ कम से कम 50,000 श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए या छठ पूजा करने के लिए आए हुए हैं। जो ये स्ट्रेच है बिल्कुल भरा हुआ है और इसमें किसी भी प्रकार की ट्रैफिक की आवागमन नहीं की जा रही और न ही ट्रैफिक में कोई बाधा की जा रही, बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी की जा रही है ताकि आम पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मैं महेंद्र सिंह, SHO ट्रैफिक, बाबरपुर।